देखिए जरा गाइस, पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिए। स्टॉप राइटिंग प्लीज। निकोजन फैमिली, निकोजन का मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ये बेसिक मीनिंग है निकोजन का। नाइट्रोजन इसमें से डाइएटॉमिक है, बाकी सारे टेट्राएटॉमिक टेट्राहेड्रल सॉलिड्स हैं। हमने फास्फोरस आपको बना के दिखाया है, P4 बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, आपसे पूछा गया है। बिस्मत यहाँ पे डाइएटॉमिक सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक और आयनिक रेडियाई देखें। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, रेगुलर इंक्रीज है विदाउट एनी एक्सेप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलर डिक्रीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, बट यहाँ एक एडिशनल पॉइंट हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम होता है, ये याद रखिएगा। एफिनिटी डिक्रीज करती है, बट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इंटरचेंज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैटिनेशन और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है, पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इंटरचेंज है, याद रखना है। जहाँ इरेगुलर है वो जरूर याद रखें। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बट ये इंक्रीज नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक है इंक्रीज, और उसके बाद डिक्रीज है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बट नाइट्रोजन से एंटीमनी तक इंक्रीज है, फिर बिस्मत पर तक डिक्रीज है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी सेमी मेटल है, और बिस्मत है अकेला जो मेटल है कंपैरेटिवली। अभी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। सर कैटिनेशन मतलब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में ही? हाँ, कार्बन नहीं, आप अपने आप से सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी। अच्छा,
गाइस हो गया कॉपी? नो सर। टेन सर। नो सर, वन मिनट। सर एक मिनट ऊपर लो ना। कहाँ तक हो गया सर? राइट साइड बचा बस एकदम। सर सिक्स वाला पॉइंट दिखा। सर हो गया।
देखिए जरा एलोट्रॉपी जो है मेटल शो नहीं करते हैं तो एक्सेप्ट बिस्मथ सोर्स बाय ऑल पीपाई टेंडेंसी सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता एंड डीपाई सारे शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन द सेम रीजन नो डी नो वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे तो प्लस फाइव और प्लस थ्री बोथ आर पॉसिबल हायर का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है ऐसा ऑलवेज हो रहा है आपने नोटिस किया रहेगा That's why nitrogen phosphorus के लिए plus 5 is most stable. And lower oxidation number यानी plus 3 is increases. That's why bismuth में plus 3 आपको दिख रहा है. इसके अलावा इसमें क्या लेना है? AS में plus 5 लेना है ना? हाँ हाँ. आपको greater than का sign दिया है ना? Much more greater than. Nitrogen shows anomaly minus 3 से plus 5 तक सारे show करता है. Sir, nitrogen का क्या बोले? Anomalous है minus 3 to plus 5 all. Yes, sir.
देखिए जरा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स में, नॉर्मली तीन ऑक्साइड्स बनते हैं X2O3, X2O4 एंड X2O5। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक अगर आप देखेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसिडिक बनाते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी एम्फोटेरिक और बिस्मथ आपका बेसिक होता है। हमें दो पढ़ने हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के एसिडिक तीन ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए N2O5 जो है वो ज्यादा एसिडिक है। दो ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं, N2 और NO। इसके अलावा NO2 और NO दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, अनस्टेबल हैं, इजिली फॉर्म डाइमर। दो मोल्स देखिए कंबाइन कर जा रहे हैं, N2O4 बन गया, दो मोल NO के कंबाइन हो गए, N2O2 बन गया। N2 इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड है, लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं और इट कॉजेज लाफिंग हिस्टीरिया, एक तरीके की बीमारी होती है, इसमें आपकी फेस मसल स्ट्रेच हो जाती है, लाफिंग हिस्टीरिया बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन समझने के लिए मैंने दो रिएक्शन दी है आपको, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइड। आप हीट करके इसमें से मैक्सिमम वाटर निकाल दीजिए, आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। इसमें से भी वाटर निकाल दीजिए, आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। अब ये रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं हाइड्रोजन चैप्टर में, तो इसको आप खुद से करेंगे। फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट कर दीजिए कॉपी करके, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको, ठीक है ना गाइस? यस सर।
हो गया गाइस, एक मिनट सर जल्दी करो सर, हो गया। रिएक्शंस करी आपने? हाँ सर। बताइए सर, वो HNO3 बनेगा ना? हाँ सर, वही NO3+H2 HNO2 NaNO2+H2 सर, वो HNO2+HNO3। ठीक है, यस सर, हो गया ये? हाँ सर, हो गया। मैं चेंज करूँ स्लाइड? यस। सर एक मिनट, हो गया सर।
देखिए जरा स्ट्रक्चर बनाया है आपको, अगर ब्लू वाला ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो P4O6 हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन पूरा देखेंगे तो P4O10 होगा। तो दो स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया है, पीओपी पूछा जाता है कितने फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस के लिंकेज हैं। फिर हैलाइड्स आता है, ट्राई हैलाइड्स, सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, सारे sp3 हैं, लुइस बेसिक हैं क्योंकि लोन पेयर सबके पास होता है, ठीक है, सारे के सारे कोवेलेंट हैं, सेलिबल हैं एक्सेप्ट NF3 PF3, इनको दो को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सेलिबल होते हैं। स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो NF3 को छोड़ के बाकी अनस्टेबल हैं, ठीक है। और जो अनस्टेबल हैं वो एक्सप्लोसिव भी हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शंस मैंने दिए, ये आपको खुद से करनी होगी, ये आपको मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में कराई हुई है, ये रिएक्शंस आपको ट्राई करनी है। पेंटाहैलाइड्स लेस स्टेबल ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेन होते हैं, अब देखिए PCl5 इजीली डिकम्पोज हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेन का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बॉन्ड एंगल है। बिहेव लाइक ल्यूस एसिड, क्यों? क्योंकि Cl- को एकोमोडेट करके PCl6- बना ले रहा है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कर लीजिए कॉपी करके, रिएक्शन कंप्लीट करिए।
सर हो गया रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बता दीजिए जरा देखिए जरा एंटीमनी और बिस्मथी पार्शियल आयनाइज हुए हैं इसलिए उनके प्रोडक्ट अलग अलग हैं दोनों स्पेशल रिएक्शन हैं इनको अलग से आपको याद रखना है बाकी सब नॉर्मल हाइड्रोलिसिस हैं आई थिंक सबके प्रोडक्ट्स राइट हुए होंगे क्यों भाई यस सर एक देख रहा हूँ ठीक है कॉपी कर रहे हैं कि मैं आगे स्लाइड चेंज करूँ सर एक सेकेंड दो
कॉपी कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया. देखिए जरा ऊपर जो लिखा है सॉलिड पीसीएल 5 बीआर 5 पीआई 5 ये सॉलिड फॉर्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनको आपको याद रखना पड़ता है. इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स आप देख रहे हैं एमएसटी टाइप. थर्मल स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है. अगर अमोनिया स्टेबल है तो अमोनिया के पास एनर्जी ज्यादा है, डिक्रीज हो रहा है. रिड्यूसिंग पावर देखना है तो जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इंक्रीज. पॉइजन नेचर कैसे पता चलेगा? रिड्यूसिंग बिहेवियर से पता चलेगा, इंक्रीज. बॉन्ड एंगल अगर आप ऊपर का देखेंगे तो 107 डिग्री होता है और नीचे 90 हो जाता है, ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है. लुईस बेसिक देखना है आपको तो अमोनिया ही अकेला ओनली बेसिक है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज. सेलिब्रिटी में देखेंगे तो सारे के सारे इनसेलिबल हैं, ऑल आर इनसेलिबल. सर अपने बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखा है?
देख पा रहे हैं आप इस तरह सेलिबिलिटी में अमोनिया को छोड़ के सारे इनसेलिबल हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रेगुलर नहीं है, अमोनिया की पोजीशन थर्ड हो जाती है, वो मैंने आपको नीचे टेबल में दिखाया है। ओके सर, क्या पूछ रहे थे? बॉइलिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गड़बड़ होता था और हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखाया भी है। हाँ सर, नीचे वो ऑर्डर आपने बीपी का ही दिया ना? हाँ हाँ हाँ, बीपी का ही है। सर वो सॉलिड पीसी अल्फा क्या बना रहे हैं सर? पीसीएल 4 प्लस के बाद बना नहीं रहा, उसका एग्जिस्टेंस दिखाया है आपको। अच्छा, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है सर, वो पीसीएल 3 है फिर? अरे कहाँ PCL3 है, आई PI4 है, इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। नहीं सर, वो PCL4 प्लस लिखा है ना, उसके बाद सर क्या है? 6 है, PCL6। ओके कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया। सर इसमें हम बाजू ग्रुप डिस्कस करेंगे क्या, ये वाले फिरो? हाँ हाँ,
देखिए जरा नाइट्रोजन के एसिड्स में सबसे पहले हाइपोनाइट्रस एसिड है विच शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। H2N2O4 को नाइट्रोजाइलिक एसिड बोलते हैं विच इज एक्सप्लोसिव बाई नेचर। HNO2 नाइट्रस एसिड है, ये स्ट्रक्चर उसका दिखाया है आपको, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग जाता है तो वो परऑक्साइड हो जाता है, मैंने उसके नाम के आगे लिखा है और प्रीफिक्स पर का मतलब भी परऑक्साइड होता है। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग जाता है तो भी परऑक्साइड बन जाता है, स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने सारे, कर लीजिए कॉपी। तो पर नाइट्रस एसिड हो जाएगा, हाँ प्रीफिक्स पर लगेगा तो पर नाइट्रिक हो जाएगा।
सर हो गया लिख के ओके सर इसमें फॉस्फोरस का कुछ नहीं रहता नहीं है क्या देखिए इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है मैंने ट्रिक बता रहा हूँ आपको इधर राइट में देखिए टू मोल्स ऑफ एसिड से वाटर निकालने से पायरो बन जाता है तो टू मोल ऑफ H3PO4 से वाटर निकाला तो H4P2O7 H3PO3 में से अगर निकाला हमने तो H4P2O5 इसी तरह एक मोल से निकालते हैं तो मेटा बन जाता है जरा ट्रिक देखिए H3PO3 और H3PO4 तो कॉमन एसिड है अब H3PO3 से हमने हाइड्रोजन निकाला तो जब कुछ कम होता है तो एक प्रीफिक्स लगाते हैं हाइपो ठीक H4P2O7 क्या है तो H3PO4 के हमने दो मोल लिए और उसमें से वाटर निकाल दिया आप देख पा रहे हैं इसलिए इसके नाम में प्रीफिक्स पायरो लग गया फिर H3PO4 को हमने लिया और उसमें सॉरी H4P2O7 को हमने लिया और उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया आप देखो हाइपो लगा दिया एक बार में एक ही प्रीफिक्स लगता है फिर दो मोल हमने लिया और दो मोल में से हमने फिर वाटर निकाला तो HPO3 पर हम आ गए मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसी तरह जो H4P2O5 है दिस इज एक्चुअली 5 मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ H4P2O5 ये H3PO3 से डिराइव है दो मोल लिया और वाटर निकाल दिया तो ये आपका पाइरोफॉस्फोरस एसिड बन गया समझ में आ रहा है इस तरीके से रखेंगे तो थोड़ा याद रहेगा नहीं तो सब गड़बड़ है फिर याद करने में ठीक है हाँ सर
हो गया एक सर हो गया सर डन हो गया सबका हाँ सर ठीक है सर सबको मार्क्स एसिड्स बोलते हैं ना क्या बोलते हैं सबको मतलब नाइट्रोजन के जो अपने कंपाउंड लिखा है सब ऑक्सो एसिड है ना बीजो लिखा है ऑक्सो एसिड का मतलब एसिड इन व्हिच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ओके सर
करिए कॉपीज सर। बोलिए सर, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गए क्या? हाँ सर। तो ये प्रिपरेशन ऑफ N2 है क्या? हाँ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। कॉपी कर लिया क्यों भाई? yes. ये रिएक्शंस आपको खुद से करनी है, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज की हो पाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज वाले हाँ, पूरा प्रिपरेशन से लेकर के केमिकल प्रॉपर्टीज तक।
अब ट्राई करिए गलत सही जो भी है नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। हो पाएगी? ट्राई करते हैं। ठीक है, हां सर ट्राई करेंगे। यही है, आपको इसे ट्राई करके रखना है। ठीक है, ओके गाइस, चलिए। सर HNO3 के नीचे क्या लिखा है? HNO3 वेरी डाइल्यूट, BD। ठीक है, ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं हुआ तो बताओगे? फिर तो मैं करूंगा ही। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। वाइस थैंक यू सर। वाइस